हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, आखिर करण कुंद्रा के अकाउंट से क्यों हुए 4 लाख रुपए गायब? क्यों दिया करण ने 4 लाख रुपए का चेक? क्या है वजह? क्यों हैरान हुई तेजस्वी प्रकाश? क्या है इन 4 लाख रुपए का राज? चलिए हम आपको बताएंगे टेली टॉकीज की इस रिपोर्ट में। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश का प्यार कितना ज्यादा गहरा है, कितना ज्यादा डीप है। दोनों की शादी की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन अचानक से करण कुंद्रा के अकाउंट से गायब हो गए 4 लाख रुपए। करण कुंद्रा ने खुद 4 लाख रुपए का चेक साइन करके दिया, लेकिन किसको, क्यों? वेल, करण कुंद्रा तेजस्वी को ले जा रही हैं हॉलीडे पर। जी हाँ, खबरों की माने तो अप्रैल के महीने के बाद यानी कि मई की इन दोनों ने बुकिंग करवाई है और ये करण कुंद्रा ने एडवांस पेमेंट की है। यूरोप के लिए रवाना होने वाले हैं तेजस्वी और करण कुंद्रा। सवाल ये उठता है कि करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश ने मई के महीने को ही क्यों चुना है यूरोप जाने के लिए? क्या अप्रैल में ये दोनों शादी कर यूरोप जाना चाहते हैं अपने हनीमून के लिए? वैसे भी करण कुंद्रा ने अक्सर बिग बॉस के घर में कहा था कि उनको स्विट्जरलैंड बहुत पसंद है, उनको यूरोप बहुत पसंद है और वो चाहते हैं कि वो हनीमून पे यूरोप में जाएं। तो क्या तेजस्वी और करण यूरोप जा रहे हैं हनीमून मनाने के लिए और उसी के लिए करण कुंद्रा ने 4 लाख रुपए का एडवांस चेक काट कर दिया है? अभी तक इन बातों पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिल पाई है, लेकिन एक बात तो तय है कि करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश यूरोप ट्रिप पर जा रहे हैं मई के महीने में। तो भाई हो जाइए तैयार, क्योंकि लग रहा है अप्रैल में शादी और मई में हनीमून की तैयारी में है तेजरन। क्या कहेंगे आप कमेंट्स में लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।